Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your teacher, and today I am going to teach you some communication skills sentences. So let's start. First sentence is: Today is Raksha Bandhan. अब बच्चों रक्षाबंधन आने वाला है, तो हम आपस में फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं रक्षाबंधन के बारे में ही कुछ ऐसे सेंटेंस लेकर आई हूँ जैसे हम बच्चे आपस में बातें करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। फर्स्ट इज टुडे इज रक्षाबंधन। जैसे आप सुबह उठते हो, आप कहते हो घर में अपने जो दीदी हैं, भाई हैं, मम्मी हैं या अपने फ्रेंड्स हैं, आप कहते हो कि आज रक्षाबंधन है। तो इसका क्या मीनिंग है? आज रक्षाबंधन है। टुडे इज रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत उत्सुक हूँ। बहुत अच्छा लगता है ना, आज फेस्टिवल है, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत उत्सुक हूँ। आई विल टाई राखी टू माई ब्रदर। मैं अपने भाई के राखी बांधूंगी। आप मान लीजिए अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो कहते ना आज मैं अपने भाई के राखी बांधूंगी, तो इंग्लिश में कहेंगे हम आई विल टाई राखी टू माई ब्रदर। मैं अपने भाई के राखी बांधूंगी। माई ब्रदर गिव मी अ गिफ्ट। और बच्चे बातें करते हैं ना, और मेरा भाई मुझे गिफ्ट देगा, कहते हो आप आपस में, तो इसका क्या मतलब है? माई ब्रदर गिव मी अ गिफ्ट। मेरा भाई मुझे गिफ्ट यानी उपहार देता है, गिफ्ट देता है। टुडे आई वियर न्यू क्लोथ्स। आज मैंने नए कपड़े पहन रखे हैं। फेस्टिवल वाले दिन आप नए कपड़े पहनते हो, सभी नए कपड़े पहनते हैं, तो आप अपनी बातें करते हो कि आज मैंने नए कपड़े पहन रखे हैं, देखो मेरी नई ड्रेस। तो टुडे आई वियर न्यू क्लोथ्स। आज मैंने नए कपड़े पहन रखे हैं। आई गो टू माई कजन्स हाउस। मैं अपने कजन के घर जाती हूँ। कजन कौन होते हैं? जैसे बुआ होती, बुआ का बेटा, मौसी का बेटा, मामी का बेटा, चाची का बेटा, ताई का बेटा, तो ये सब कौन होते हैं? कजन। हमारे कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर होती हैं। तो आप अपने कज़न के घर भी जाते हो ना राखी बांधने। माने से आपकी चाची हैं, तो आप अपनी चाची के घर भी जाओगे भाई को राखी बांधने। तो कहते ना, तो आई गो टू माई कज़न्स हाउस। मैं अपने कज़न के घर जाती हूँ। माई मदर कुक्स टेस्टी फूड। मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। और फेस्टिवल वाले दिन तो सभी के यहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है, पकवान बनते हैं, नई नई डिश बनती हैं, है ना? तो आप कैसे कैसे कहोगे? तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम? माय मदर कुक्स टेस्टी फूड। मेरी मम्मी स्वादिष्ट खाना पकाती हैं। माय आंट कम्स टू माय हाउस। आंट कौन होती हैं? आपकी बुआ, आपकी मौसी, है ना, आपकी चाची, आपकी मामी, ताई, ये सब कौन होती हैं? आंट, जिन्हें हम आंटी कहते हैं। तो माय आंट कम्स टू माय हाउस, कि मेरी आंट मेरे घर आती हैं। तो फेस्टिवल पे आती है, जैसे बुआ आती हैं पापा जी के राखी बांधने, इस तरह। तो माय आंट कम्स टू माय हाउस, मेरी आंट मेरे घर आती हैं। आई बॉट अ गिफ्ट।
मैंने एक गिफ्ट खरीदा। जैसे भाई होते हैं, भाई कहते हैं ना, मैंने अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट खरीदा है, तो आई बॉट अ गिफ्ट, मैंने एक गिफ्ट खरीदा। गिव मी माई गिफ्ट। अब रक्षाबंधन आ रहा है, आप अपने भाई से राखी बांधने के बाद आप क्या कहोगी? अब मुझे मेरा गिफ्ट दो, ये तो कहते हो आप कि लाइए आप मेरा गिफ्ट दीजिए, तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? गिव मी माई गिफ्ट, कि मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए। तो ये थे बच्चों कुछ सेंटेंस जो रक्षाबंधन पर हम आपस में बोलते हैं। इस वजह से आप इन सेंटेंस को, अब रक्षाबंधन आने वाला है तो आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस।